राजस्थान आरपीएससी आईएन पेपर 2013 2013 के बाद में 2018 में पेपर होने वाला है। राजस्थान के किस जिले में 2013 में तेल रिफाइनरी स्थापित की गई? तो ये 2013 का करंट का क्वेश्चन है। अब जयपुर में अप्रैल 2013 में आयोजित राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल में लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, तो अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर 2013 का राजस्थान के अंदर। इंडिया ग्रोज एंड नाइट के लेखक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? पाकिस्तानी सेना द्वारा गिरफ्तार सरबजीत सिंह की मौत हुई थी, जो पाकिस्तान सेना ने गिरफ्तार किया था उसकी मौत कहाँ हुई थी? तो ये करंट का अफेयर, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से देश ने यूक्रेन में आयोजित यूरो फुटबॉल टूर्नामेंट 2012 को जीत लिया है? इंटरनेशनल करंट अफेयर। सेनकाकू, देवा देवोयू द्वीप समूह किन देशों के बीच विवाद का स्रोत रहा है? तो ये इंटरनेशनल का ही क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न नाम का पुरस्कार उन व्यक्तियों के लिए शुरू किया है जिनका उल्लेखनीय योगदान किस क्षेत्र में है? मेयान ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2012 में जीता है, ये निम्न में से किस देश के हैं? मेयान। तो जो भी अवार्ड मिले हुए हैं ज्यादातर। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? निम्न में से किस खेल से सिरमूर कप संबंधित है? तो स्पोर्ट्स से काफी क्वेश्चन है। अप्रैल 2013 में सार्क की मंत्री स्तरीय मीटिंग गरीब पर किस देश में हुई? अप्रैल 2013 में किसने केन्या के चौथे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? पूरे भारत में किस दिन को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? बॉलीवुड के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के 12 अप्रैल 2013 को किसे पुरस्कार मिला? बॉलीवुड के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार ने 12 अप्रैल 2013 को किसे पुरस्कृत किया गया? राजस्थान की दीपिका राठौर प्रसिद्ध है। वेंजुएला के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसमें हाल ही में काराकस के कैंसर में के कारण मृत्यु हो गई थी। इनमें से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का नवीनतम 159वां सदस्य बना है? घुटने पेश आंदोलन का 16वां शिखर सम्मेलन 16 मई से 31 अगस्त 2012 के दौरान हुआ था। तो इंटरनेशनल करंट ज्यादा है। 2013 में मियामी फ्लोरिडा में एटीएम मियामी मास्टर्स प्रतियोगिता किसने जीती? भारत का आर्थिक इतिहास के लेखक कौन है? मुंहबंद करने वाला अधिनियम कहा गया है। एल्बर्ट विल विवाद कौन से वायसराय के काल में गठित हुआ? श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की? 1857 के स्वतंत्र संग्राम के समय राजस्थान का एपीजी कौन था? गोटिया अंबा मेला कहाँ पर है, कहाँ पर लगता है? कटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक थे। स्वतंत्रता वावनी रचना है। राजस्थान के जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम स्थित है। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? राधा स्वामी सत्संग की स्थापना। तो कम से कम 30 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स हैं, बाकी क्वेश्चन राजस्थान जीके से ही हैं। जैसे कि राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित गलत युग में से मंदिरों के बारे में, शस्त्र बाग मंदिर, महानालेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर कौन सा गलत है? कबरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत शैली से जुड़ी हुई है? जैसे ये बारा को हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं, करौली को मेवाड़ी क्षेत्र कहते हैं, इनमें से कौन सा युग में गलत है, सच पहचानना है। कौन सी शैली यूनानी बौद्ध कला शैली कहलाती है? संत पीपा के गुरु कौन थे? राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल की शिल्प से संबंधित है। गुडला त्योहार कौन से हिंदू माह में मनाया जाता है? गुडला 35 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? तो ये साइंस का क्वेश्चन है। साइंस एसी सप्लाई में हावर्स हमारे घरों में एसी सप्लाई कितनी होती है? मिर्ची का उदाहरण है। चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना हो जाता है? तो साइंस के नॉर्मल क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मर एसी वोल्टेज को डीसी बदलता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। रात्रि दृष्टि कैमरा काम आती है, नाइट विजन जो कैमरा किस काम आता है?
नीरो प्रोग्राम को काम में लिया जाता है। नीरो प्रोग्राम क्यों काम में लिया जाता है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। राज समान भार में पर्यावरण की मात्रा होती है। मूर का नियम निम्न में से किसे संबंधित है? प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर काम करते हैं? वायुमंडल में ओजोन परत का सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई पर होता है? मानव लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना है? एक वर्णांत व्यक्ति की रोग से ग्रसित है तो उसका तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान स्थित है। हमारे सौर तंत्र में तारों की संख्या कितनी है? 3G नेटवर्क के लिए क्या सही है? और कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वायरस, कंप्यूटर वायरस होता है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या है? तो सौर मंडल। राजस्थान में निम्न से किस उद्योग में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है? डॉक्टर विजय केलकर समिति 2012 संबंधित थी तो 2017 के बारे में भी पूछा सकता है। 18 में कुछ पेपर होगा, 17 के बारे में पूछा सकता है कि 17 में कौन कौन समितियां हुई थी। राजस्थान में 2005-06 में मगरा क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की गई थी। यह निम्नलिखित जिलों में रहने वाले सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार से संबंधित थी। कौन कौन से जिलों से संबंधित थी मगरा क्षेत्रीय विकास योजना? राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 2001 में की गई थी। 3 2001 में की गई। इसका उद्देश्य क्या था? कौन सी संस्था देश में ग्रामीण अर्थ संरचना विकास कोष RIDF का संचालन करती है? प्याज अनजान सहायता योजना क्या है जो भी राजस्थान में योजना चल रही है? घरेलू क्षेत्र से आंतरित बचतों को बढ़ाने के लिए सरकार ने 2013 के बजट में कुछ उपायों की घोषणा की। कौन से सही नहीं है इसमें से? कौन सी बाहरी एजेंसियां दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए वित्तीय मदद प्रदान कर रही है? भारत सरकार ने वर्ष 2008-09 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान राज्य सरकारी विपणन संघ का मुख्य कार्य क्या है? रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद पार्क विकसित किए हैं। ये क्या है? राज्य में हरित राजस्थान योजना की क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? चालू खाते में घाटे की हमारी वर्तमान समस्या के लिए उनमें से कौन सा कारण प्रासंगिक नहीं है? रिको ने फिक्की के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा और वस्त्र मेला 2012 का आयोजन किया है। किन फसलों पर विचार कीजिए, जैसे फसलें कौन कौन सी खरीफ है, रबी की फसल है? किसने बहुउद्देशीय नदी पर घाटी परियोजना के आधुनिक भारत के मंदिर कहा? और ये किले हैं, कौन कौन से किले कहाँ पर हैं? फिर है जिप्सम कहाँ पर पाया जाता है? ये क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में कौन सी चीज पाई जाती है? फिर है राजस्थान के कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है। कथोड़ी जनजाति कहाँ पर है? ये बादला कहाँ पर है? ब्यूलू पाटरी कहाँ पर है? नमदा अजरंग प्रिंट कहाँ पर है? ये प्लेस किस स्थान है? नील अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, परंतु कौन सी नदी का वह क्षेत्र 33 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे बड़ा है? अब वह क्षेत्र में कौन सी सबसे बड़ी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ब्रोमेल पठार क्या है? राजस्थान में सबसे विस्तृत अब्बाय तंत्र क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का 2011 का लिंग अनुपात क्या है? काकरेज महत्वपूर्ण लसल है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कौन सा युग में सही नहीं है, जैसे कि अफ्रीका में तकलाम नाकान है, गोबी एशिया का है, अटाकामा दक्षिण अमेरिका का है? कौन सी नदियां अरब सागर में मिलती हैं? फिर है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसमें महान रोधी प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान जीके से ज्यादा बाहर के जीके है, यानी इंडिया विश्व की। भारत में हाथी परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? भारत में याक अधिकतर किस क्षेत्र में मिलते हैं? भारत के किस वर्ष में वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया? राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? राजस्थान का कौन सा जिला 95% से अधिक फेल्डस्पार का उत्पादन करता है? राजस्थान में कौन से जिले बेंटेनाइट के महत्वपूर्ण भंडार हैं? कौन कौन से जिले बेंटेनाइट के महत्वपूर्ण भंडार हैं? सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में राजस्थान के? कौन सी राजस्थान की भेड़ की नस्ल नहीं है? बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? तो ये इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन है जो कि राजस्थान RPSC प्री क्वेश्चन में आए हैं, तो इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं।
कि किस तरीके का पेपर 2018 में आरपीएससी का बन सकता है।